हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम डीडी सिंह है और आज के इस प्रोग्राम में मैं आपको फिर से एक पैटर्न का प्रोग्राम पढ़ाऊंगा। सबसे पहले हम इसका आउटपुट देखते हैं कि एग्जैक्टली हम किस तरह का पैटर्न इस बार बनाने जा रहे हैं। चलिए, मैंने प्रोग्राम के सिर पर राइट क्लिक किया, सिंपल मेन पर क्लिक करते हैं और ये आंसर आ रहा है। नॉर्मली हमारी हैबिट में क्या होता है, जैसे वन, फिर उसके बाद वन टू थ्री, बट ये थोड़ा सा हमारी एक्सपेक्टेशन के विपरीत है। इसमें क्या हो रहा है, पहली रो में वन आ रहा है, फिर उसके बाद टू वन, थ्री टू वन, एक तरीके से डिसेंडिंग ऑर्डर है। इसे स्टेप बाय स्टेप मैं आपको एक बार समझाऊंगा कि कैसे कैसे ये सीरीज बनकर आ रही है। हम लोग जानते हैं कि हमारे प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन कहाँ से शुरू होता है, मेन से। यहां पर ये मेन दे रखा है, हमने दो वेरिएबल बनाए आई और जे। जब हम कभी पैटर्न का कोई भी प्रोग्राम बनाते हैं, नॉर्मली उसमें हमारे पास नेस्टेड लूप होता है। आउटर लूप के लिए हम आई का यूज करते हैं और इनर लूप के लिए हमने किसका यूज किया हुआ है, जे का। आपने ये नोटिस किया था कि वहां पर ओवरऑल जो रोज थी वो पांच रो थी, तो जो आउटर लूप होता है वो रोज के लिए होता है नॉर्मली। आपने यहां पर नोटिस किया होगा आई की वैल्यू क्या है, वन, और आई लेस देन इक्वल टू व्हाट, फाइव। इट मींस वन टू फाइव चलेगा, इसका मतलब पांच रो इसके अंदर बनेगी। वन इज लेस देन फाइव, ये कंडीशन तो ट्रू हुई। यहां पर मैं आपको ये बताऊंगा कि आई की वैल्यू फिलहाल कितनी है, वन। कंडीशन जैसे ही ट्रू हुई वो अंदर वाले लूप में आया और मैंने यहां पर क्या किया, जे इज इक्वल टू आई, यानी कि जे की वैल्यू भी हमारी क्या होगी, वन होगी। अब जब बड़े से छोटे की तरफ चलते हैं तो यहां पर ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन होगा, यहां पर जे की वैल्यू भी वन है और वन वन के बराबर होता है। यहां पर हमने जे को प्रिंट कराया तो यहां पर क्या आंसर आया हमारा, वन। जे माइनस माइनस विच इज जीरो। अब जीरो क्या बड़ा होता है वन से, कंडीशन पहली बार में ही फॉल्स हो गई है और हम इस लूप से बाहर निकले। यहां पर प्रिंट एलन है, बिकॉज ऑफ इट हम एक नई रो पर आए और हम इस जगह पर आ गए। यहां से फिर कंट्रोल कहां पर जाएगा, आई प्लस प्लस पे। अब आई की वैल्यू हमारी कितनी हो चुकी है, टू। टू इज लेस देन फाइव। जब जब ऊपर वाले लूप से हम अंदर वाले लूप में आएंगे तो उस केस में क्या होगा पता है, कि फिर से एक नई शुरुआत होगी। जे इज इक्वल टू आई, इट मींस जे की वैल्यू भी कितनी हो चुकी है अब हमारी, टू। और ध्यान रखना अब ये लूप टू टू वन चलेगा। जब बड़े से छोटे की तरफ कोई चीज होती है तो हमेशा ध्यान रखेंगे यहाँ पे माइनस वन होता है, तो जे की वैल्यू कितनी है, टू है। टू बड़ा होता है वन से, यहां पर आए और हमने जे की वैल्यू को प्रिंट कराया विच इज व्हाट, टू। फिर से माइनस माइनस हुआ विच इज वन, और वन वन के बराबर होता है, फिर से हमारी जे की वैल्यू प्रिंट हुई विच इज व्हाट, वन। आप ये जानते हैं सेम लाइन पर आंसर क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने यहां पे प्रिंट का यूज किया हुआ है। जैसे ही इसकी वैल्यू फिर से जीरो हुई होगी, ये कंडीशन फॉल्स हुई और इस लूप से हम बाहर निकल कर आ गए। यहां पर हमारा क्या है, प्रिंट एलन है, बिकॉज ऑफ इट अगेन हम एक नई लाइन पर आए। यहां से फिर आई प्लस प्लस हुआ होगा विच इज थ्री। थ्री फाइव से छोटा होता है, जैसे ही फिर ऊपर वाली कंडीशन में से नीचे आया होगा अंदर वाले लूप में, अगेन जे इज इक्वल टू आई, यानी कि जे की वैल्यू भी कितनी होगी हमारी, थ्री। अब ये लूप कितनी बार चला होगा, थ्री टू वन, यानी कि बड़े से छोटे की तरफ चल रहा है। यहां पर वैल्यूज क्या प्रिंट होंगी, थ्री टू वन। जैसे ही जे की वैल्यू फिर से जीरो होगी, जीरो क्या बड़ा होता है वन से, नहीं होता, प्रिंट एलन की वजह से फिर बाहर आया और एक नई रो पर आया है। यहां से फिर आई प्लस प्लस पर गया, अब आई की वैल्यू कितनी हो चुकी है, फोर। फोर फाइव से छोटा होता है, ये कंडीशन अगेन ट्रू हुई, जे इज इक्वल टू आई। अब जे की वैल्यू कितनी हो चुकी है, फोर। अब ये आंसर कितना आएगा, फोर थ्री टू वन, अगेन कंडीशन फॉल्स होगी बिकॉज ऑफ द प्रिंट एलन, फिर एक नई लाइन पर आएगा ये यहां पर आया, अगेन आई प्लस, फाइनली आई की वैल्यू कितनी हो चुकी है, फाइव। फाइव फाइव के बराबर होता है और अब अंदर वाला लूप जैसा कि आप जान रहे हैं फाइव टू वन प्रिंट होगा। मैं यहां पर एक बार प्रिंट कर देता हूं, फाइव फोर थ्री टू वन, फिर अंदर वाले लूप से कंडीशन फॉल्स हुई, प्रिंट एलन से नई जगह पर आए, आई प्लस प्लस से अब इसकी वैल्यू कितनी होगी, सिक्स। क्या सिक्स फाइव से बड़ा होता है, नो।
कंडीशन ये भी फॉल्स हुई और अब ये ऊपर वाले लूप से भी बाहर निकलकर आ गया है। तो देखिए इसका ओपन कर्ली ब्रेसेस ये है और क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस ये है। यहां पर आपने नोटिस किया होगा इससे बाहर निकलेगा और फाइनली ये प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। आपको दो चीजें याद रखनी है, नंबर ऑफ द रोज कितनी है 5, तो ऊपर वाला लूप क्या चला, आई इज इक्वल टू 1 और आई लेस देन इक्वल टू 5। नंबर 1, यहां पर बार बार वैल्यू बदल रही है तो हमेशा हम जे को प्रिंट कराते हैं, अगर सेम वैल्यूज होती तो हम आई को प्रिंट कराते। ये बात मैं पुराने वीडियोस में भी आपको बता चुका हूं। थैंक यू।